हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। शरद पूर्णिमा के समापन के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। इस महीने में ब्रह्मांड के पालनहार प्रभु श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1 का श्रवण कराने जा रही हूँ। उससे पहले कमेंट में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 संकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास से युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष लेने गए। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था।
और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य देव व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांच प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।